साइज 2b.2। मुझे ना कल उसको मैं बताती हूँ आपको, मैम। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और लास्ट, ठीक है? यस ठीक है? हाँ, मैम, क्वेश्चन मेरे को सेंड कर देना, ठीक है? मैं यस एक्सप्लेन मैम। कर दूंगी। बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है क्या मेरी? नो मैम। ठीक है, देखिए, हम आज एक्सरसाइज 2b.1 पढ़ेंगे, और सॉरी 2b.2। ये 2b.2 का 2b.2 में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं। आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब भी मॉड हटता है तो रूट अप्लाई हो जाता है और दोनों ही वैल्यूज में स्क्वायर पुट हो जाता है। टेन स्क्वायर बी अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। इसका फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी इज इक्वल टू आर इन टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला है, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला है, आर ऑफ थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए यहाँ से, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। तो ये चारों फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, सो एक्सरसाइज इजिली सॉल्व होगा। देखते हैं। हाँ बोलो। सेकेंड वाले फॉर्मूला में ए आर जी क्या है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। ठीक है। या अरेंज ऐसे ही पढ़ेंगे। एक मिनट बताती हूँ, रुक जाओ, वेट कर लो। ज्यादातर तो अरेंज पढ़ते हैं, नहीं आर्ग्यूमेंट ही है। देखो यहाँ पे बुक में आपको फॉर्मूला जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको ए आर जी का मीनिंग बताया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आई बी। क्लियर? यस मैम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जनरल फॉर्म है, इनटू पोलार फॉर्म। यहाँ हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लेट स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट 1 प्लस आई रूट 3, हम इससे क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं 1 प्लस आई रूट 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, क्योंकि हमारा ए प्लस आई बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब दोनों ही बोथ साइड में रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। आई से आई कैंसल हो मैम, जाएगा। तो हाँ बोलो। ये पोलार फॉर्म क्या होता है? यस सॉल्व होगा तो बताऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? मैम। हाँ यहाँ पे इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हो गया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे और उसे ऐड करेंगे। तो आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा। तो दोनों में आर स्क्वायर है, कॉमन कर देंगे आर स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 प्लस 3। यहाँ पे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज 4। यहाँ पे आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, आर इज इक्वल टू, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, आर इज इक्वल टू यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इक्वल टू 2 मिल गया। अब देखिए इक्वेशन 2 में, हमारा इक्वेशन 2 ये है, आर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, 2 कॉस थीटा। अब टू आर की वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो इक्वेशन 3 में भी पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3।
आर साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, ये हमारा इक्वेशन थ्री है, आर की वैल्यू टू साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट थ्री बाई टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायग्राम शो करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ पे x और ये माइनस एक्स, y माइनस वाई, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये जो रूट थ्री बाई टू है साइन थीटा में कहाँ पे आ रहा है, थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है, बताइए। कौन बताएगा? यस यस मैम, मे बी 60 डिग्री। साइन थीटा में थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें वैल्यू जो होता है वो रूट थ्री बाई टू होता है, तो मे बी 60 डिग्री। यस मैम, 60 डिग्री को हम पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, और 60 डिग्री जो होता है वो 0 टू 90 के बीच में आता है ना, तो हम क्या करेंगे इसे इस तरह से शो कर देंगे, ये हो जाएगा, ये लाइन जो होती है हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, और ये अरेंज डायग्राम है, पहले से ही अरेंज किया हुआ है, जो डेफिनेशन होता है सारी चीजें नहीं बताई जाती है, कुछ खुद भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज और सारी चीजें यहाँ पे आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ठीक। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड लेंगे, सपोज ओ एक्स मेक्स ऑन एंगल थीटा विथ ओ पी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then theta is called the argument or amplitude of the complex number of a plus iv, ये सारे definition है, यहीं पे आपको polar form मिलेगा, polar form आपने पूछा ना अभी कि polar form क्या होता है, polar form और trigonometrical form of complex number, complex number का trigonometrical form या polar form दोनों ही एक ही चीजें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी कि ये क्या होता है, तो इसे पढ़ना एक बार, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो पूछना, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा पोलार फॉर्म बनाइए, पोलार फॉर्म फाइंड करिए, पोलार फॉर्म में से अरेंज करिए जनरल फॉर्म को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद, हाँ आपका वीडियो अटक रहा है, वीडियो अटक रहा है, नेटवर्क तो क्लियर है बेटा, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पे पोलार फॉर्म जब भी आपको फाइंड करने बोलेगा तो आप क्या करेंगे, पोलार फॉर्म होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इसी फॉर्म में रहेगा, अभी मैंने बताया एक ए प्लस आई बी को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वेयर आर इज द मॉड्यूल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज इट्स आर्ग्यूमेंट, जहां पे आर जो है, यहाँ पे आर गिवन है ना, तो आर क्या है, मॉड्यूल्स है, और थीटा जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है, फ्रॉम द फिगर, फिगर हमारे पास जो गिवन है टू बी सॉरी बेटा, आज की क्लास में यहीं ओवर कर देती हूँ क्योंकि मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है, ठीक है। यस मैम, मैं कल आगे आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी ये क्वेश्चन। यस मैम, ठीक है।